नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। आप देख रहे हैं livecities.in। बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासी गलियारे से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जदयू का साथ छोड़ दिया है। उदय नारायण चौधरी ने पटना में मीडिया के सामने ऐलान किया कि आज के बाद से जदयू से उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई वास्ता पार्टी से अब नहीं रहा। उदय नारायण चौधरी ने कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। उदय नारायण चौधरी ने पार्टी के कई बड़े फैसलों को उस पर एतराज जताते हुए पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। उदय नारायण चौधरी ने पटना में मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि पार्टी में धन कुबेरों को बढ़ावा दिया गया है, पार्टी में दलितों पर अब कोई फैसले नहीं लिए जाते। उनका साफ साफ पर यह नीतीश कुमार पर आरोप था कि पहले जो पार्टी दलितों के हित में काम किया करती थी, अब दलितों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहा है। उदय नारायण चौधरी ने साफ साफ कहा है कि अब उनका जदयू से कोई वास्ता नहीं है, मतलब कि उदय नारायण चौधरी ने जदयू से अब वायदा कर दिया है, उन्होंने नीतीश कुमार को टाटा कर दिया है। आपको बता दें कि अब वो कहां जाएंगे, इस सवाल पर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं अब जदयू और बीजेपी मतलब कि एनडीए के साथ नहीं हूं, तो मेरे रास्ते खुले हैं, वो जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं। यहां तक कि अगर हम बात करें उदय नारायण चौधरी के लेकर के आरजेडी की तरफ झुकाव की, तो पिछले कई बार ऐसा हुआ है कि वो आरजेडी के पक्ष में बोलते नजर आए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आए और आरजेडी के पक्ष में जाते नजर आए। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उदय नारायण चौधरी जल्द ही राजद खेमे में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि उनके संपर्क में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कि जदयू से जल्द ही किनारा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जदयू में अब भगदड़ की स्थिति हो गई है, जदयू में कोई रहना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ छोड़ करके बीजेपी से मिलकर के एनडीए का सरकार उन्होंने जब बिहार में बनाया है, उसके बाद से जदयू की हालत खराब है। जदयू में अब दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जहानाबाद में लड़की के साथ हुए अत्याचार पर भी उदय नारायण चौधरी ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जहानाबाद में जिस तरह से लड़की के साथ अत्याचार हुआ, क्राइम का ग्राफ जो है बिहार में बढ़ गया है। कुल मिलाकर के उनका साफ साफ यही कहना है कि नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ नहीं है। इसके मतलब साफ है कि वो बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। आगे ऐसा माना जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ छोड़ करके महागठबंधन से हाथ मिला चुके हैं। अब महागठबंधन की तरफ से वो विरोधियों पे कड़ा जवाब देने का काम करते हैं। इसके बीच अब उदय नारायण चौधरी ने भी, जो कि दलितों का बहुत बड़ा चेहरा था नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में, अब वो जदयू के साथ नहीं है, उन्होंने किनारा कर लिया है। पटना में ऐलान कर दिया सबके सामने कि अब वो अपना रिश्ता जदयू से तोड़ रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उदय नारायण चौधरी से लेकर के विरोधियों का क्या कुछ जवाब आता है और उनके पार्टी जदयू की तरफ से क्या कुछ बोला जाता है, हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।